आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल डॉक्टर अंजलि, आप क्या मानती हैं, क्या ये जो लक्षण है वो शुरुआती दौर में भी दिख सकते हैं? जैसे अगर हम बच्चों की बात करते हैं, टीनेजर्स की बात करते हैं, तो क्या उन्हें भी ये समस्या हो सकती है? बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ताशा ने बताया कि आजकल बच्चों की पढ़ाई, टीवी, लैपटॉप, ऑनलाइन, ज़्यादा ऑनलाइन रहना, ज़्यादा वीडियोज़ देखना, फ़ोन, टीवी स्क्रीन से उनको लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंडर आई सर्कल्स या फिर पुअर न्यूट्रिशन, मोस्टली ये हेल्दी फूड नहीं खाते तो इनको अनीमिया और आयरन डिफिशेंसी, अदर न्यूट्रिशन डिफिशेंसी भी हो सकती है, तो ये अर्ली एज से भी स्टार्ट हो जाती हैं। जी ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर संजीव भी जुड़े हैं। डॉक्टर संजीव, आप क्या मानते हैं, क्या ये जो कारण बताए जा रहे हैं, इनकी वजह से अगर किसी को डार्क सर्कल हो गए हैं तो फिर किस तरह से उन्हें उपचार की तरफ जाना चाहिए, क्या रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए? जी मैडम, पहले तो उनका जो डाइट होना चाहिए विटामिन सी और आयरन युक्त होना चाहिए। दूसरा जो है अवॉइड करना चाहिए एक्सेसिव सन एक्सपोजर का। जी, देखा गया है कि जो यूवी रेज जो होते हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन कराते हैं, मिलानिन के प्रोडक्शंस को इंक्रीज कराते हैं, दैट्स व्हाई पिगमेंटेशंस इंक्रीज कर जाता है पेरी ऑर्बिटल्स। और डिहाइड्रेशंस को अवॉइड करना चाहिए, जहां तक हो सके डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। और स्लीप पैटर्न जो है मैम, क्वालिटी स्लीप होना चाहिए एटलीस्ट 7 to 8 hours का। जी। ये और एक और जो है जो ड्रग्स रिलेटेड साइड इफेक्ट है, यदि वो ग्लोकोमा का मेडिसिन ले रहे हैं, ग्लोकोमा का जो आईओपी लोअर कम करने वाला है, जैसे बिमाटोप्रोस्ट, लेटनोप्रोस्ट, तो उनको डॉक्टर से बोल के चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये हाइपर पिगमेंटेशन अर्ली